जब सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने त्याग पत्र दिया 31 तारीख को रात में, तो स्वाभाविक रूप से हमने थोड़ा सा पता करने लगा कि कहीं उनका तबीयत तो नहीं खराब है। लेकिन सब लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छे हैं, दुरुस्त तंदुरुस्त है और इसके बाद कोई अगर वो रिजाइन देता है तो स्वाभाविक रूप से कई चीजों को जन्म देता है और आदमी सोचने लगता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एकदम सोचना भी छोड़ दें। तो लगा कि आखिर जब स्वस्थ हैं और आप एक साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा को चुनाव होने को, तो फिर आखिर उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया। तब इसका अर्थ ये लगा कि हो ना हो, चूंकि हेमंत सोरेन इन दिनों आप देखते होंगे रोज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाते हैं, ईडी के डर से कभी यहाँ कभी वहां घूमते रहते हैं, तो लगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है क्योंकि नन विधायक को सीएम बना देना और उस खाली सीट से उसको चुनाव। तो स्वाभाविक है कि इसके बाद जब कोई समय ही एक साल बचा हुआ रहा था, एक साल से भी कम समय, और उसके बाद कोई त्याग पत्र देना, तो हमें लगता है कि कहीं से भी वो लेकिन सर विधानसभा की पहली बैठक 6 जनवरी को हुई। भले विधानसभा की पहली बैठक नहीं, विधानसभा गठित कब हुई ये देखना है, और विधानसभा उसी दिन या लोकसभा उसी दिन गठित हो जाता है जब चुनाव का परिणाम आ जाता है, इलेक्शन कमीशन उसके बाद भेज देता है विधानसभा को कि इन इन दलों के ये सब विधायक है, ठीक है, इसके बाद हाँ चुने गए हैं, इन सबको दिलाना। तो ये होता है, उसका नोटिफिकेशन हो गया। और आप सबको पता है, क्योंकि हम भी विधायक हैं, सांसद भी रहे हैं, जिस दिन से विधायक बन जाता है वेतन भत्ता सब जिस दिन आकर के वो जमा कर उसी दिन से उनको मिलना शुरू हो जाती है उसकी सुविधा। तो विधानसभा उसी दिन गठित हो जाता है। आप एक महीना के बाद आपने देखा होगा कहीं कहीं तो सरकार बनने में बहुत समय लगता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब है कि विधानसभा गठित कब हुआ, और विधानसभा उसी दिन गठित हो जाता है जब चुनाव समाप्त हो जाता है और इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा को सूचित कर देता है ये विधायक चुने गए हैं, इन इन दलों से चुने गए हैं, और उसके बाद फिर बाकी जो प्रक्रिया चलती है। सर फिजिकली भी मिलेंगे गवर्नर से? अब फिजिकली आएंगे तब उसके बाद देखेंगे, अभी तो लिखित में तो दे चुके हैं। अरे भैया, राज्य निर्वाचन आयोग को अगर उन लोगों ने लिखा है तो उनका काम है वो भेजना, हमारे भी काम था कि कोई ऐसा काम हड़बड़ी में गलत ना हो जाए जो संवैधानिक संकट पैदा हो, ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और क्या, इतना ही तो बात है।